नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड दो के प्रतिलेखन संख्या 114 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, महिला श्रमिकों में मुख्य कामगार 15% हैं, जबकि सीमांत कामगार 6% हैं। महिला कामगारों में सर्वाधिक प्रतिशत महिला कृषि श्रमिकों का है, जबकि सीमांत के बाद दूसरा स्थान महिला काश्तकारों का एवं महिला श्रमिकों का 15% भाग अन्य विविध कार्यों में लगा हुआ है। गृह निर्माण कार्य में कुल महिला कामगारों की 5% महिलाएं कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, खास तौर से कृषि कार्यों में संलग्न श्रमिकों में तो महिलाएं ही आधार हैं, फिर भी इनका शोषण जारी है। यदि रोजगारवार देश में कार्यशील जनसंख्या एवं महिला कामगार जनसंख्या का अवलोकन करें तो यह पता चलता है स्वरोजगार में सबसे अधिक महिलाएं लगी हुई हैं, जबकि नियमित वेतन पर रोजगार पाने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 8% है एवं आकस्मिक मजदूरी पर रोजगार करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 38 है। यदि ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर देखें तो यह प्रतिशत क्रमशः 51% प्राप्त होता है। इससे देश में रोजगारवार कार्यशील जनसंख्या एवं कार्यरत महिला जनसंख्या का विवरण स्पष्ट है। इससे यह भी स्पष्ट है कि स्वरोजगार के अंतर्गत ग्रामीण महिला कामगारों की संख्या में कुछ कमी आई है, जबकि नियमित वेतन पर आधारित रोजगार में वृद्धि हुई है। आकस्मिक वेतन पर आधारित रोजगार की स्थिति उसी तरह बनी हुई है जैसे कि पहले थी। इसी तरह शहरी महिला कामगारों की संख्या स्वरोजगार के अंतर्गत पहले से कम होकर पुनः कुछ बढ़ी है, जबकि नियमित वेतन पर आधारित रोजगार में महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। आकस्मिक मजदूरी पर आधारित महिला श्रमिकों की संख्या पहले से कम हुई है। ठीक यही स्थिति कार्य के अन्य क्षेत्रों में व्याप्त है। पैरा, अगर देश में बेरोजगारी की स्थिति को देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में जो भी रोजगार मिला हुआ है उनमें उनका शोषण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा बेरोजगारी की दर अधिक है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर जुटाने की आवश्यकता है।
अपने देश में शिक्षित वर्ग में पुरुष एवं महिला रोजगार में अंतर देखने को मिलता है। रोजगार वृद्धि की दर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से अधिक रही है। शिक्षित वर्ग में स्त्रियों की रोजगार वृद्धि की दर पुरुषों की अपेक्षा अधिक रही है। तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षित पुरुष वर्ग में लगातार वृद्धि बेकारी का एक महत्वपूर्ण कारण महिलाओं का अधिक मात्रा में रोजगार ढूंढना एवं रोजगार प्राप्त करना है। शिक्षित वर्ग में महिलाओं में रोजगार वृद्धि की दर राष्ट्रीय स्तर से सदैव अधिक रही है। इसका मुख्य कारण पुरुषों में शिक्षित व्यक्तियों की रोजगार वृद्धि की दर में कमी रहना है। जहाँ तक स्त्री पुरुषों की कार्य सहभागिता का प्रश्न है तो 1991 में यह क्रमशः 22 एवं 51 रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, महिला श्रमिकों में मुख्य कामगार 15% हैं, जबकि सीमांत कामगार 6% हैं। महिला कामगारों में सर्वाधिक प्रतिशत महिला कृषि श्रमिकों का है, जबकि सीमांत के बाद दूसरा स्थान महिला काश्तकारों का एवं महिला श्रमिकों का 15% भाग अन्य विविध कार्यों में लगा हुआ है। गृह निर्माण कार्य में कुल महिला कामगारों की 5% महिलाएं कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, खास तौर से कृषि कार्यों में संलग्न श्रमिकों में तो महिलाएं ही आधार हैं। फिर भी इनका शोषण जारी है। यदि रोजगारवार देश में कार्यशील जनसंख्या एवं महिला कामगार जनसंख्या का अवलोकन करें तो यह पता चलता है स्वरोजगार में सबसे अधिक महिलाएं लगी हुई हैं, जबकि नियमित वेतन पर रोजगार पाने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 8% है एवं आकस्मिक मजदूरी पर रोजगार करने वाली महिलाओं का 38% है। यदि ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर देखें तो यह प्रतिशत क्रमशः 51% प्राप्त होता है। इससे देश में रोजगारवार कार्यशील जनसंख्या एवं कार्यरत महिला जनसंख्या का विवरण स्पष्ट है। इससे यह भी स्पष्ट है कि स्वरोजगार के अंतर्गत ग्रामीण महिला कामगारों की संख्या में कुछ कमी आई है, जबकि नियमित वेतन पर आधारित रोजगार में वृद्धि हुई है। आकस्मिक वेतन पर आधारित रोजगार की स्थिति उसी तरह बनी हुई है जैसे कि पहले थी। इसी तरह शहरी महिला कामगारों की संख्या स्वरोजगार के अंतर्गत पहले से कम होकर पुनः कुछ बढ़ी है, जबकि नियमित वेतन पर आधारित रोजगार में महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। आकस्मिक मजदूरी पर आधारित महिला श्रमिकों की संख्या पहले से कम हुई है। ठीक यही स्थिति कार्य के अन्य क्षेत्रों में व्याप्त है। पैरा, अगर देश में बेरोजगारी की स्थिति को देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में जो भी रोजगार मिला हुआ है उनमें उनका शोषण किया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा बेरोजगारी की दर अधिक है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर जुटाने की आवश्यकता है। अपने देश में शिक्षित वर्ग में पुरुष एवं महिला रोजगार में अंतर देखने को मिलता है। रोजगार वृद्धि की दर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से अधिक रही है। शिक्षित वर्ग में स्त्रियों की रोजगार वृद्धि की दर पुरुषों की अपेक्षा अधिक रही है। तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षित पुरुष वर्ग में लगातार वृद्धि बेकारी का एक महत्वपूर्ण कारण महिलाओं का अधिक मात्रा में रोजगार ढूंढना एवं रोजगार प्राप्त करना है। शिक्षित वर्ग में महिलाओं में रोजगार वृद्धि की दर राष्ट्रीय स्तर से सदैव अधिक रही है। इसका मुख्य कारण पुरुषों में शिक्षित व्यक्तियों की रोजगार वृद्धि की दर में कमी रहना है। जहाँ तक स्त्री पुरुषों की कार्य सहभागिता का प्रश्न है तो 1991 में यह क्रमशः 22 एवं 51 रही है। स्टॉप।